नमस्कार, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में 70-75% पानी होता है? अगर हाँ, तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर मैं अच्छे से अच्छा पानी पीऊं तो क्या होगा, या एक दूषित पानी पीने से क्या होगा? कुदरत ने हमारे शरीर को बनाया है बहता हुआ जीवित पानी पीने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, जीवित पानी, जैसे नदी या झरने का पानी। आखिर ऐसा क्या है जीवित पानी में? मिस्टर हिरोनारी ओशिरो, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एनर्जी कंपनी एंड एक्स इंजीनियर ऑफ सोनी ने जब आज से 50 साल पहले ये रिसर्च चालू किया तो पाया कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला माइक्रोक्लस्टरिन, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा एल्कलाइन, और फिर इन्होंने एक मैजिकल डिवाइस का आविष्कार किया जो आपको घर बैठे ये सब प्रॉपर्टीज वाला पानी दे सके, वो भी बिना किसी केमिकल को यूज किए। इसकी रिसर्च 20 साल जापान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली और फिर मार्केट में लॉन्च हुए एनर्जिक, एनर्जी प्लस मैजिक, और एनर्जिक कंपनी की इस मशीन का नाम रखा गया कैंगेन, जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। इस नाम के साथ 22 साल में ये कंपनी 28 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने ऑफिस खोल चुकी है और ग्लोबली वर्क कर रही है। अब इस जादुई मशीन की साइंटिफिकली प्रूवन बातों के बारे में जानते हैं। पहला, माइक्रोक्लस्टरिंग यानी पतला पानी। ये पानी 6 गुना ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है नॉर्मल पानी से। ये पानी इतना पतला होता है कि इसमें आप देख सकते हैं कैसे ग्रीन टी, जो कभी नॉर्मल पानी में नहीं बनती, वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसमें डिजोल्व हो जा रहा है। बॉडी में इसकी बायो अवेलेबिलिटी 6 गुना ज्यादा होती है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब एजिंग। हम सब अपनी बढ़ती हुए उम्र को रोक तो नहीं सकते, पर हाँ, स्लो जरूर कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट खाना खाकर, एंटीऑक्सीडेंट पानी पीकर। ये ओआरपी चार्ट है जिसमें माइनस मतलब स्लो, जितना आप माइनस की तरफ जाएंगे उतना ये एंटीऑक्सीडेंट है, और जितना हम प्लस की तरफ जाएंगे उतना ये ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके नॉर्मल पानी की ओआरपी वैल्यू क्या है, आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक की ओआरपी वैल्यू क्या है, और इस दुनिया के सबसे पावरफुल पानी कैंगेन की वैल्यू क्या है। आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल पानी कैंगेन वाटर उनको बहुत फायदा पहुंचाएगा। ये दुनिया का सबसे पावरफुल पानी कैंगेन वाटर उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा, एल्कलाइन। ये पीएच स्केल है। इसमें लाल का मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक, ब्लू का मतलब एल्कलाइन, और ग्रीन का मतलब न्यूट्रल होता है। हमारे ब्लड का पीएच 7.3 होता है, और एक हेल्दी शरीर का पीएच वैल्यू न्यूट्रल और एल्कलाइन के बीच में होता है। ये है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चार्ट। इसमें हम पीएच चेक कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि लिमिट से ज्यादा एसिड हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वैसे एल्कलाइन बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे पानी में चूना मिला देना या पानी में नींबू का रस मिला देना, पर वो रोज की जिंदगी में पीना या पीते रहना संभव नहीं है। ये कैंगेन मशीन सीधा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एल्कलाइन पानी बनाती है, वो भी बिना किसी केमिकल को यूज किए। अब जैसा आप देख सकते हैं नॉर्मल पानी का पीएच वैल्यू क्या है और इस कोल्ड ड्रिंक का पीएच वैल्यू क्या है और इस स्ट्रक्चर्ड कैंगेन वाटर का पीएच वैल्यू क्या है। एक्सेसिव एसिडिटी या एसिड रिलेटेड समस्याओं में यह पानी न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। डेफिनेटली इन तीन प्रॉपर्टीज को देखकर आपको जीवित पानी के बारे में तो समझ आ ही गया होगा। आइए अब आपको इसकी सबसे मैजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। आजकल केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हर सब्जी और फल में हो रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ये इन सब्जियों में पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हैं। और मजे की चीज, ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं ये इनको किसी ऑयल के साथ मिक्स करके छिड़का जाता है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो इसका सारा केमिकल और पेस्टिसाइड्स निकल जाएगा। लेकिन ऑयल में मिक्स करने से बारिश के पानी से भी ये नहीं निकलेगा।
आजकल केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज इतना बढ़ गया है कि हम सड़ी और मरी हुई सब्जी को भी फ्रेश बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये फार्मर मरी हुई धनिया को इस केमिकल सॉल्यूशन में डुबाता है और इसे बाहर निकालते ही कुछ देर में ये बिल्कुल फ्रेश बन जा रही है। और यही चीज हम मार्केट से जाकर खरीदते हैं, और इनका इंसानी शरीर के अंदर जाना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप अच्छे से जानते हैं। क्या आपके पास फलों या सब्जियों में लगे हुए केमिकल को निकालने का सॉल्यूशन है? शायद अब तक नहीं। हमारी मशीन में एक बटन दबाते ही 11.5 पीएच का पानी आता है। इस पानी से वॉश करने पर आप देख सकते हैं कि सारा केमिकल साफ हो जाता है। नॉर्मल पानी को ऑयल के साथ मिक्स करने पर ऑयल कभी भी पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, पर वही केंगेन मशीन के 11.5 पीएच के पानी के साथ ऑयल को मिलाने पर ये ऑयल को इमल्सिफाई कर देता है। इसी वजह से वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो ऑयल के साथ मिक्स होकर फलों या सब्जियों से नहीं निकलते, वो इस 11.5 पीएच के पानी से इमल्सिफाई होकर तुरंत निकल जाते हैं। अब आप खुद बताएं, क्या ये देखकर आपको लगा कि ये मशीन आपके पास होना चाहिए? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें इस केंगेन मशीन की जरूरत है? बहुत से लोग इसका पानी पीकर बताते हैं कि उनकी बीमारी को ठीक करने में इस पानी ने मदद की है। लेकिन एक पानी पीने के बाद में मेरा बीपी का गोली मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया। मुझे खुद के थायराइड में काफी सहूलियत हुई और थायराइड मेरा पूरी तरह खत्म हुआ। ओमेगा कैंसर डिटेक्ट हुआ था मुझे आफ्टर बेबी डिलीवरी। इस पानी को 20 दिन पीने के बाद मेरा जो रिपोर्ट आया वो बिल्कुल ही नॉर्मल था। करते थे मेरी मदर इन लॉ में 90% चेंज आया है कैंजन से। मेरा और मेरी मदर का शुगर लेवल कंट्रोल हो चुका है। लेकिन तो 3-4 महीने पानी पीने से मेरा पूरा बेस्ट पेन चला गया है। कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था, वो भी 1 महीने में ही क्लियर हो गया है। ये रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट आप चाहो या ना चाहो, ये तो आपके घर लगेगा ही। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए या फिर लाइव टेस्टिमोनी के लिए उनको कॉन्टेक्ट करें जिन्होंने आपको ये वीडियो दिखाई है। धन्यवाद।